डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए। सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। हालांकि ये जो केमिस्ट्री का आज हम क्लास करवा रहे हैं, ये आपको सैटरडे 4 तारीख 7वां महीना 2020 को ये क्लास कराया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, अक्सर ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम होती ही होती है और आपको बुरा भी लग रहा होगा। ये इसके लिए हमें खेद है कि मतलब कभी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, कभी रिकॉर्डेड अच्छे से नहीं हो पाया, या फिर कभी एडिटिंग में प्रॉब्लम, उसको हम लोग टेक्निकल प्रॉब्लम बोलते हैं दोस्तों। और कभी कभी हम आपको क्लास भी इसी के वजह से बंद करना पड़ता है, क्योंकि आदमी अगर अपलोड करता है कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है कि एक भी वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाता है। और आप समझो कि व्हाट्सएप पर भेज पाना 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का वीडियोज कितना टफ होता है ना। तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल रूबरू हैं, तो आप मेरी भी प्रॉब्लम समझिए। तो मेरा ये कहना है कि जो 12th क्लासेस की जो केमिस्ट्री की क्लास हुई थी सैटरडे वाली क्लास में, उसमें साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी। आपको सब चीज़ सही थी, लेकिन आप नोट कैसे करते हैं या फिर चीज़ों को कैसे समझते जब ना साउंड में ही नहीं आ रहा था। तो साउंड प्रॉब्लम था, तो वो भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम ही था और हम ध्यान नहीं दिए थे। और फिर वो अपलोडेड वीडियोज़ हो गई थी, हम उस वीडियोज़ को अपलोड जो हुई है उसको डिलीट कर देंगे, अभी किए नहीं हैं। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे उसी दिन का जो केमिस्ट्री की क्लास था, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम या टेक्निकल इश्यूज होती है, तो आप उनको प्रॉब्लम को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर हमको मेहनत नहीं करना होता तो फिर हम फालतू का वो नहीं करते। लेकिन बताइए, मुझे भी उतनी खुशी नहीं होती है कि चलो भाई लोगों को तंग करो किसी न किसी टेक्निकल प्रॉब्लम। वो फ़ोन में है होती है तो अब कैसे पता चलेगा, वो हो ही जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप समझिए। लेकिन चलिए हम लोग उस दिन वाले क्लास को आज हम लोग रिस्टोर करते हैं उसको, और फिर हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एमीन के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस एमीन वाले चैप्टर में हम लोगों ने एक यौगिक के बारे में पढ़ रहा है जिसका नाम है मेथिल एमीन। उसका नाम क्या है? मेथिल एमीन। और इस मेथिन वाले एमीन वाले में हम लोगों ने इसका 2 पढ़ लिया है। इसका निर्माण कैसे होता है ये हम लोगों ने पढ़ा पिछले क्लास में। दूसरा, इसका गुण क्या है, इस गुण के भी बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसका मतलब कि मेथिल एमीन के निर्माण कैसे होता है, तो 2 तरीके से निर्माण होता है, आपको जानना चाहिए। और ये जो निर्माण है ना, बिल्कुल आपको याद रखने का आवश्यकता है कि हम लोग किस कैसे कैसे इसका निर्माण कर रहे थे। ठीक है, तो इसका निर्माण तो पहला हम लोग कर रहे थे हाइड्रोजन साइनाइड से, हाइड्रोजन को अभिक्रिया कराकर, और एक करा रहे थे हेलोमेथेन को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराकर। तो 2 तरीके से इसका हम लोग निर्माण देखे थे। और इसके गुण के बारे में अगर चर्चा करें, तो इसमें गुण ये था कि इसमें एक विशेष प्रकार का गंध होता है मेथिलामिन में। और मेथिलामिन का फार्मूला का अगर बात करें तो CH3NH2, ये फार्मूला होता है ना। हाँ बिल्कुल, फार्मूला भी आप कन्फर्म याद रखिए। और इसका गुण एक और था कि मेथिलामिन और एथिलामिन जो है वो गैस अवस्था में होता है, लेकिन बाकी द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा, कि अगर क्वथनांक का बात करें तो क्वथनांक में 1 डिग्री एमीन यानी कि प्राइमरी एमीन का सबसे ज़्यादा होता है सेकेंडरी एमीन से, टर्शियरी एमीन से ये सबसे ज़्यादा प्राइमरी एमीन का होता है। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि गुण भी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन चलिए आज हम लोग तीसरा पॉइंट्स पढ़ते हैं जिसका नाम है अभिक्रिया। क्या नाम है? अभिक्रिया, थर्ड पॉइंट, अभिक्रिया। ठीक है, अब अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे कि किसकी किसके साथ कराएंगे तो क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो ए नंबर में लिखा जाए एसिड क्लोराइड के साथ। पहला किसके साथ अभिक्रिया देखेंगे? एसिड क्लोराइड के साथ। ठीक है, एसिड क्लोराइड के साथ, क्लियर। यानी कि जब हम लोग मेथिल एमीन मेरा फिक्स रहेगा, इसको हम लोग किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे दोस्त? एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3COCl, ध्यान रखिएगा। एसिड क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है? CH3
COCl, ठीक है। अब एसिड क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो हम लोग क्या बनेगा, तो इसमें हम लोग लिखेंगे फर्स्ट एरो देखकर, एसिड क्लोराइड में जब मेथिल एमिन को एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो, जब मेथिल एमिन को एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो, एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एन मेथिल, देखिएगा ये आईयूपीएसी नाम है, एन मेथिल वन ऑक्सी एथेन, एथेन वन एमीन, ये हम लोगों का नाम है। क्या निर्माण होता है जब मेथिल एमीन को अगर एसिड क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो बनता क्या क्या है, एन मेथिल वन ऑक्सी एथेन वन एमीन, ठीक है। चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले मेथिल एमीन का फार्मूला क्या, CH3NH2, इसके साथ किसका रिएक्शन, एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड का मतलब CH3COCl, इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों को क्या क्या बनता है जरा उसको देख लेते हैं। तो ये रहा मेथिल एमीन और ये रहा हम लोगों का एसिड क्लोराइड। अब ये मेथिल एमीन को एसिड क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या बनता है, तो सबसे पहले हम लोग को बनता क्या है, एन मेथिल, तो चलिए एन पे जोड़ दिए मेथिल, फिर वन ऑक्सी, और यानी इसी का नाम है एन मेथिल वन ऑक्सी एथेन वन एमीन, क्योंकि नाइट्रोजन के इस ओर ज़्यादा कार्बन है तो ज़्यादा कार्बन का चेन चुनिएगा, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, तो एन पे मेथिल वन पे ऑक्सीजन माने ऑक्सी और कितना कार्बन का चेन है एथेन, और वन पे ही ना जुड़ा हुआ है एमीन इसलिए वन एमीन, तो इसका नाम आप लिख सकते हैं नीचे, और बाद बाकी बाहर क्या होगा तो HCl हम लोगों का बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये पहला अभिक्रिया था जिसको हम लोग एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा रहे थे। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म के बारे में आप पहले पढ़े होंगे, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है CHCl3 के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या बनता है, तो CHCl3 का अगर रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे तो क्या बनेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्लोरोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे जब मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो, क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो मेथिल आइसोसाइनाइड फार्मूला CH3NC, यही है मेथिल आइसोसाइनाइड। ध्यान दीजिएगा कि जब मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, मेथिल आइसोसाइनाइड CH3NC का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। तो हम लोग देख पा रहे होंगे मेथिल आइसोसाइनाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3NC का निर्माण होता है, किसके साथ रिएक्शन, तो रिएक्शन को देख लेते हैं, मेथिल एमीन यानी कि CH3NH2, ये हम लोगों का मेथिल एमीन है, और क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3, अगर इसका रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों को मिथाइल आइसोसाइनाइड का फार्मूला CH3NC, ठीक है, और प्लस HCl, और इसको हम अगर बैलेंस करेंगे तो 3HCl होगा, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए
तो जब हम लोग मेथिल एमिन को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, क्लोरोफॉर्म को, तो क्या बनता है, तो मिथाइल या मेथिल आइसोसाइनाइड, जिसका फार्मूला होता है CH3NC। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर अभिक्रिया। तीसरा नंबर अभिक्रिया है नाइट्रस अम्ल के साथ, नाइट्रस अम्ल। अच्छा, एक आप सुने होंगे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3। क्या होता है इसका? HNO3। उसी तरीके से नाइट्रस अम्ल क्या होता है? तो नाइट्रस अम्ल होता है HNO2। क्या होता है? HNO2। ठीक है, और ये हो गया नाइट्रस, और नाइट्रिक का होता है HNO3। तो देखिए, अस रहेगा तो कम होता है 2, और इक हो जाता है तो 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको याद होना चाहिए कि नाइट्रस अम्ल का फार्मूला होता है HNO2 और नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। तो यहाँ पे हम लोग नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया देखेंगे, न कि नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रस का फार्मूला होता है HNO2। तो इस तरीके से इसका हम लोग रिएक्शन देखेंगे क्या बनेगा। ठीक है, तो मेथिल एमिन को अगर नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या बनेगा, लिखेंगे। सबसे पहले, जब मेथिल एमिन को नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करें कराया जाता है, जब मेथिल एमिन को नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मेथिल अल्कोहल आपको तो पढ़ा है ना, अल्कोहल, फिनॉल और इथर, वहाँ पे तो आपको पता होगा कि मेथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3OH। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब अगर नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो जब मेथिल एमीन का फार्मूला CH3NH2, ये रहा हम लोगों को मेथिल एमीन। और इस मेथिल एमीन को अगर रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, किसके साथ भाई, तो नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल बोले तो HNO2। हम लोगों को बनता क्या है? मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का मतलब CH3OH प्लस में N2 और H2O बाहर हो जाएगा। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन N2। तो याद रखिएगा, ये रहा हम लोगों को मेथिल एमीन। इसके साथ हम लोग किसका रिएक्शन कराएं? नाइट्रस अम्ल का। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला HNO2। जब हम इसको साथ कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल बाहर होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हम लोगों को बाहर हो जाता है प्रोडक्ट में। तो ये चीज़ें बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर मेथिल एमिन को नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल और नाइट्रोजन और वाटर बनता है। तो दोस्तों, ये हम लोगों को का अभिक्रिया था मेथिल एमिन के साथ। तो दोस्तों, आज तक के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। मेथिल एमिन के अभिक्रिया को आज पढ़ें, अगले क्लास में एक न्यू टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।